इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नाउ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या होता है? इन अ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसिव, यू ऑल नो दैट आवर बॉडी इज वेरी सेंसिटिव। व्हाई इट इज वेरी सेंसिटिव? बिकॉज वी हैव आवर ओन इनबिल्ट इम्यूनो सिस्टम। इन आवर इम्यूनो सिस्टम देयर आर सम वेरी सेंसिटिव सेल्स आर देयर, वी कॉल इट एज इम्यूनो सेल्स। दिस इम्यूनो सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टू द फॉरेन थिंग। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, फॉरेन बैक्टीरिया आ जाता है, फॉरेन ऑर्गन भी आने लगेगा, तो भी हमारे इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हो जाती है, इट स्टार्ट किलिंग द फॉरेन थिंग। जस्ट की एग्जांपल, जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए फॉरेन है, बाहर से आने वाली चीज है, सो दैट टाइम आवर बॉडी टेम्परेचर रेज अप, एलिवेट होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर एलिवेट होता है और हमारी बॉडी में जो इम्यूनो सेल्स है वो अपना काम शुरू कर देती है। कौन सा काम? टू किल द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट? सो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का। नाउ जब सपोज कोई पेशेंट है एक्सवाइजेड, उस पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, सो किडनी जो है किसी किडनी का डोनर तो कोई और रहेगा। मतलब जब भी किसी पर्सन का खराब किडनी निकाल रहे हैं और उसमें किसी और पर्सन का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो वो ऑर्गन उस पेशेंट की इम्यूनो सिस्टम के लिए फॉरेन है। सो ऐसे में वो किडनी जो है, किडनी दैट इज ऑर्गन, फॉरेन ऑर्गन बोल सकते हैं, पेशेंट की इम्यूनो सेल्स एक्टिव हो जाती है और उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करना स्टार्ट करती है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। That is not a good sign. So, as soon as organ transplant हो जाता है, very तुरंत, just उसके बाद में cyclosporin A चढ़ाया जाता है। क्यों? ये हमारे इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करता है। सप्रेस करता है मतलब हमारे जो इम्यूनो सेल्स है वो किडनी जैसे फॉरेन ऑर्गन्स जो है उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, उस इफेक्ट को सप्रेस किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। साइक्लोस्पोरिन ए नहीं दिया जाएगा तो वो ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा। कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस कभी वर्कआउट नहीं होगा। इट इज वर्कआउट हो रहा है बिकॉज साइक्लोस्पोरिन ए वो पेशेंट के इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर देता है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई सबसे पहले हमने देखा इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, उसका यूज है क्लॉट पर बस्टर, क्लॉट को डिग्रेड कर रहा है। What is the source? Streptococcus bacteria. दो चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एज वेल एज फॉर गुड मल्टीपल चॉइस या मैच द पेयर, इस तरह से आता है। साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स जो है वो ध्यान में रखना है, इट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एंड नाउ लेट्स स्टडी द थर्ड वन, अगेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिंस, स्टैटिंस क्या है? स्टैटिंस आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। व्हाट इज इट? ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। फिर से बोलो क्या है? ब्लड कोलेस्टेरॉल रिमूविंग लोअरिंग एजेंट। अभी आप सबको पता है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। अभी बहुत से लोगों में बैड फैट जो रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑब्वियसली, बट इन अ वेरी लेस अमाउंट। इफ दैट अमाउंट इज इंक्रीज दैट इज ऑब्वियसली हार्मफुल, क्योंकि आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है। ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होता है उसको धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है और ब्लड सप्लाई हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिलता है। सो टू अवॉइड दैट थिंग, कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करना जरूरी है। सो जनरली जब भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है तो कैसे बनता है? हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस बनता है मेवलोनेट नाम का, जिसका कन्वर्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो एम एक सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जिसका कन्वर्शन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल में, जिसका कन्वर्शन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल में बाय यूजिंग एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइल सीओए रिडक्टेज, वो एंजाइम है रिडक्टेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे एच एम जी
COA reductase. So in presence of this enzyme, this component got converted into cholesterol. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कंपोनेंट तो रहेगा बट हमारे एंजाइम की जगह पे ये स्टैटिन्स, दैट स्टैटिन्स नाम का केमिकल कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा. स्टैटिन जाके ये मेवालोनेट सब्सटेंस को जाके बाइंड हो जाएगा, ना रहेगा बस ना बचे की बस. मतलब अभी ये एंजाइम इस मेवालोनेट कंपोनेंट को कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं, जितने भी मेवालोनेट मॉलिक्यूल्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि उसको मेवालोनेट कंपोनेंट के ऊपर एंजाइम के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है एचएमजी रिडक्टेज के लिए जो साइट होती है वहां जाके कौन बाइंड हो गया, दैट इज एसएस, मतलब कौन स्टैटिन्स जाके बाइंड हो गया जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं रहा. सुना, स्टैटिन्स जो है इट एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इट एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज. इस एंजाइम को हमारे बॉडी में काम ही नहीं करने देता है, उसकी जगह पे ये मेवालोनेट को जाके हमारा स्टैटिन बाइंड हो जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बन रहा है. सो स्टैटिन का यूज है, इट एक्ट एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट और ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द ईस्ट और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरेसिस. फिर से नाम बता रही हूँ, इट इज मोनास्कस परप्यूरेसिस. सो इसमें सोर्सेस और उसकी एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है. सो दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स है और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.